हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीतम प्यारे और आप देख रहे हैं प्यारे विजी यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी। फ्रेंड्स अगर आपने अपनी फैमिली आईडी अपडेट करवा ली है और जो ऑपरेटर ने आपको फैमिली आईडी दी थी यानी फैमिली आईडी की जो फोटो दी थी वो आपको वो स्लिप आपसे वो पेज आपसे खो गया है तो फ्रेंड्स आप उसे दोबारा डाउनलोड कैसे करवा सकते हैं, प्रिंट कैसे करवा सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप फैमिली आईडी कैसे डाउनलोड करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको जाना गूगल क्रोम में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है मेरा परिवार। फ्रेंड्स आपको केवल मेरा परिवार लिख देना है और इसे सर्च कर देना है। इसके बाद आपके सामने जो पहला ही ऑप्शन ओपन हो रहा है होम पेज वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको आ जाना है थ्री डॉट के ऊपर और इसे डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है फ्रेंड्स, ताकि जो विंडो है वो कंप्यूटर और लैपटॉप जैसी दिखने लगे और आपको यूज करने में आसानी हो। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको ऑपरेटर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है जो ऑपरेटर का होता है। चलिए डाल लेते हैं। फ्रेंड्स आईडी लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अप्लाई फॉर पीपीपी पर क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अपलोड साइन डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर आपको जाना है, तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी फैमिली आईडी नंबर डालना है, तो चलिए डाल लेते हैं। फ्रेंड्स ये प्रक्रिया जब ही होगी जब आपकी फैमिली आईडी आपको अपडेट करवा दी होगी, यानी आपने जो फैमिली आईडी है वो अपडेट करवा दी होगी। फ्रेंड्स फैमिली आईडी डालकर आपको सर्च पर क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर लेते हैं। फ्रेंड्स जब आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन ओपन होंगे। मैंने कुछ ऑप्शंस को हाइड करके रखा है। यहाँ पर आपके कोने में कॉर्नर में आप जब देखेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा नोट दिस फैमिली आईडी हैज बीन ऑलरेडी अपलोड डॉक्यूमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको व्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था यानी साइन मार के जो पेज अपलोड किया था उसकी फोटो यहाँ पर स्कैनिंग वाली आपको मिलेगी, तो फ्रेंड्स वो आपको डाउनलोड करनी है। तो चलिए एक बार करके बताते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको इस प्रकार का लिंक ओपन होगा, यहाँ पर ओपन का बटन आपको मिलेगा। फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सिंपली ओपन पर क्लिक कर देना। चलिए क्लिक कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो फैमिली आईडी जो मैंने अपलोड किया था डॉक्यूमेंट वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स जो इस पेज आया है इसे आपको प्रिंट करना है और इसे लेमिनेशन करवा कर आप इसे परमानेंट यूज कर सकते हैं जो फैमिली आईडी होती है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आप अपनी फैमिली आईडी को डाउनलोड करवा सकते हैं। फ्रेंड्स आपको तो पता ही है कि एक बार आप जब फैमिली आईडी अपडेट करवाते हैं और सबमिट होने के बाद जो डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है तो पहले उसे आप डाउनलोड नहीं कर पाते थे, तो इस प्रकार आप डाउनलोड कर पाएंगे जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट अपलोड होता है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।